मैं शिवांश भसीन एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कल वेडनेसडे को हमें कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड करने हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का सेटअप क्या रह सकता है एंड ऑप्शन डाटा के अंदर हम लोगों ने हेवी पुट राइटिंग एग्जिट होते हुए देखने को मिली है, अनवाइंडिंग होते हुए देखने को मिली है, तो उसका क्या रीजन है, क्या मार्केट की डायरेक्शन रह सकती है और इस मंथ की एक्सपायरी कहाँ लग रही है, तो आप लोगों को पूरी वीडियो में बताया जाएगा ये सारी चीजें। इसके अलावा मैंने आप लोगों को, आपने अगर टेलीग्राम चैनल अभी तक गाइस ज्वाइन नहीं करा तो आप लोग बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं, बहुत सारे रिकमेंडेशंस को मिस कर रहे हैं, सो प्लीज गो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, बिकॉज वहां पर मैंने आज ल्यूपिन दिया था इंट्राडे के लिए एंड बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। ल्यूपिन आज के मेरे स्टॉक पे भी है, मैं बताऊंगा मैंने किस रीजन से दिया था। इसके अलावा हम लोगों ने दो स्टॉक्स और दिए थे जो 150 रुपीज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और बढ़िया रिटर्न आपको आने वाले टाइम पे दे सकते हैं, उसमें से एक स्टॉक भी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता रखा है। सो चलिए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना गाइस एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए चलते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम capital.com है। capital.com एक फुली रेगुलेटेड इंटरनेशनली CFD ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसपे ऑलरेडी राइट नाउ 2 million+ ट्रेडर्स एक्टिव है। इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर आप 4000 से भी ज्यादा CFDs के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। राइट नाउ capital.com एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है आप लोगों को $5,000 तक अर्न करने के लिए। सो ये जो एक्टिव कैंपेन है ये 29th of September तक ही वैलिड रहेगा, तो आप लोग यहाँ पर अपने प्रोग्राम्स कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिलेंगी, आप जाके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। प्लस अगर आप लोग अपने यहाँ पर पहला ट्रेड लेते हैं तो capital.com आपको $50 खुद प्रोवाइड करवाती है पहले ट्रेड करने के बाद। सो अगर आप लोगों को इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बारे में और भी कुछ जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके वहां पर क्लिक कर सकते हैं, वहां पर जाके उनके बारे में और रिसर्च कर सकते हैं। सो गाइस, हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है ल्यूपिन जिसपे आज हम लोगों ने इंट्राडे ट्रेड भी लिया था और अच्छा प्रॉफिट हम लोगों को देखने को मिला। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँ, आप स्टॉक क्लियरली देख सकते हैं। ल्यूपिन में मैंने सिर्फ दो चीज अभी तक ड्रॉ करी है, डेली टाइम फ्रेम मेरे पास ओपन है ये एंड आप लोगों को नीचे दो रेंज देखने को मिल रही होंगी। अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, सबसे पहला जो बेस है वो यहाँ पर क्रिएट हुआ था एग्जैक्टली, यहाँ से एक बार स्टॉक ऊपर गया था एंड रीटेस्ट करने के बाद दोबारा ऊपर गया था। बट आप देखेंगे जब भी स्टॉक इस रेंज पे, अपर साइड वाले रेंज पे आता था तो वहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर, बट फाइनली इट गेव अ ब्रेकआउट और ब्रेकआउट जिस लेवल पे दिया था वो इसके लिए सपोर्ट बन गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग साइकोलॉजी पे ज्यादा बिलीव करते हैं, मैं साइकोलॉजी पे मैं ज्यादा ट्रेड्स लेता हूं, तो इसीलिए मैं आपको इसका पास्ट बिहेवियर समझाता हूं। ठीक है, अब इसके अलावा आप देख रहे हैं इसी लेवल पे दोबारा सपोर्ट ले रहा है, जब इसका ब्रेकडाउन दिया सो दैट सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सिमिलरली फिर ब्रेकआउट दिया दैट ब्रेकआउट बिकम सपोर्ट आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड रीटेस्ट। ठीक है, सो एग्जैक्टली यहां पर अब इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम, एग्जैक्टली इस लेवल पे इसने एक डबल बॉटम क्रिएट करा एंड यहां से ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है। अब देखिए इतना ज्यादा जो शार्प फॉल आया, क्या ये पूरा रिकवर हो सकता है, क्या ये जो इतनी बड़ी गैप डाउन फॉल आया क्या ये रिकवर हो सकता है, नहीं, इतनी जल्दी नहीं रिकवर होने वाला, बट हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि टारगेट्स हमारे इतने ज्यादा ऊपर होंगे, हमें मुश्किल से 30-40 रुपए चाहिए, उसके अलावा हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आप लोगों के लिए एंड मैं और क्लियर करता हूँ। ठीक, सबसे पहले स्टॉक यहां से आया ऊपर गया, ऊपर आने के बाद दोबारा नीचे आया, अगेन ऊपर गया, ऊपर आने के बाद दोबारा नीचे आया, गया अपने जो प्रीवियस लो था उसे ब्रेक नहीं करा एंड ऊपर गया, अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर गया। यानी कि सबसे पहले इसने एक डबल बॉटम क्रिएट करा एंड डबल बॉटम पे जो दूसरा बॉटम था वहां पर इसने कंटिन्यूशन पैटर्न स्टार्ट कर दिया जिसे हम लोग हायर हाइज एंड हायर लोस कहते हैं। सो आई थिंक ये स्टॉक एक रिवर्सल ले सकता है, इस लेवल से एक रिवर्सल ले सकता है। सो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर देखिए बेसिकली ये फार्मा स्टॉक है, अभी ये पूरी जो मूवमेंट है ये फार्मा स्टॉक में, ये और वो फार्मा ऐसे थे जिन लोगों ने बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दी है। बट अगर अब आपको कोई ट्रेड लेना है, क्योंकि ज़्यादातर फार्मा स्टॉक्स भी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म के लिए फार्मा के लिए स्टॉक रखना है तो अभी आप लोगों को बहुत अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है, अभी भी अच्छे लेवल्स में मिल रहा है, 900 रुपये एक बेस है, वहाँ पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लोग अपना इस जोन के नीचे रख सकते हैं 830 रुपीज़ का एंड लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म पे आपका प्रीवियस हाई भी अचीव हो सकता है। बट मैं बात कर रहा हूँ साल डेढ़ साल की, इतना टाइम हमें रुकना नहीं है, तो अब एक हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम ओपन करते हैं एंड एनालिसिस करते हैं कि हमें करना क्या है। चुके ठीक है, यहाँ पर मैंने देखा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक ने सबसे पहले तो इसका ये एक रेजिस्टेंस है,
क्लियर है, ये तो आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस लिया तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन सकता है जब भी स्टॉक ऊपर जाएगा। दूसरी बात, स्टॉक ने फॉल यहां से तो करना स्टार्ट करी थी बट जो शार्प सेलिंग प्रेशर आया था वो एग्जैक्टली इस लेवल से आया था, ये देख रहे कंटिन्यूअस शार्प फॉल आया था। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लेवल का रेजिस्टेंस ये भी मान के चलूंगा कि भाई मेरे लिए ना ये भी एक हर्डल का काम कर सकता है, ठीक है, येस और नो, डेफिनेटली कर सकता है, ठीक है। अब दूसरी चीज, जो पहले हमारे लिए भी एक रेजिस्टेंस का एक्ट कर रहा था वो बन चुका है हमारे लिए सपोर्ट। आप क्लियरली यहां पर देख रहे हैं, यहां पर इसने एक डबल बॉटम क्रिएट करा, स्टॉक ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद हल्का सा रिट्रेसमेंट और एक नया हाई क्रिएट करा। अब यहां पर स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। अब अगर कल ये स्टॉक नीचे भी आता है ना, इस लेवल से नीचे आता है, तो आप लोगों के माइंड में ये नहीं बात आनी चाहिए कि यार यहां पर इसने ब्रेकआउट दिया और ये तो फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, ये बात नहीं आनी चाहिए। आप साइकोलॉजी समझना कि भाई जब एक मूवमेंट करी तो पॉज लिया ना स्टॉक ने, तभी तो दूसरी मूवमेंट करी। अब जब दूसरी मूवमेंट कर चुका है तो एक बार तो नीचे पॉज लेने आएगा, तो ये मत डरिएगा कि भाई ये फॉल्स ब्रेकआउट है और ये दोबारा नीचे आ चुका है, ठीक है। तो अगर कल आप लोगों को नीचे मिलता भी है तो आप लोग इस पे और बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। करंट प्राइस इसका 952 रुपीस का, आप लोग अगर इसके ऊपर भी जाना स्टार्ट करता है तो भी बाय कर सकते हैं, बाय चांस अगर नीचे आता है तो 940 के आसपास भी आप लोग अपनी बाय पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। बेस्ट लेवल क्या रहेगा बाय करने के लिए, तो वो मैं आपको बता देता हूं। ये हमारा बॉटम है एंड ये हमारा टॉप है, तो हमारे लिए बेस्ट लेवल जो रहेगा दैट शुड बी 941-943 रुपीस के आसपास। सो आप इस लेवल पे एक बाय पोजीशन डेफिनेटली इनिशिएट करके रख सकते हैं। अदरवाइज अगर ऊपर जा रहा होगा ना कंटिन्यूसली मार्केट ओपन होते ही, तो आप पोजीशन ऐड कर सकते हैं, बट एक बार रिट्रेसमेंट लेने स्टॉक आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा अब यहां पर हम लोग एक फिबोनाची ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये एक हर्डल है, सबसे पहला हर्डल। सो जब मैं फिबोनाची ड्रॉ कर रहा हूं तो अगर ऊपर जाएगा तो सबसे पहला रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 958 रुपीस पे, एंड दूसरा रेजिस्टेंस आ सकता है 970 रुपीस के आसपास। तो पहला रेजिस्टेंस तो बहुत छोटा है, पहला टारगेट बहुत छोटा है, तो हम इसको मानेंगे नहीं, हम यही वाले टारगेट को मान के चलते हैं, ठीक है। तो हमारे जो पहला टारगेट है दैट शुड बी 965-970 रुपीस के इन बिटवीन के अंदर टारगेट है, और अगर नीचे मिलता है तो आप लोग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, फिर आपके करंट लेवल से 10-12 रुपए नीचे एंड टारगेट आपके लिए फिर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको आराम से ये स्टॉक दे सकता है, इसको अपनी वॉचलिस्ट के अंदर जरूर ऐड करिएगा। अब बात आती है कि शिवान सर आपने आज ल्यूपिन बाय करवाया था तो उसके पीछे का रीजन क्या था, क्या आपने देखा था? आप देख सकते हैं ये एक शार्प इंपल्स मूव आई, जैसी शार्प इंपल्स मूव आई यहां पर हम लोगों ने अपनी एक एनालिसिस कर ली। क्लियरली आप देख सकते हैं एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का एक बहुत ही बढ़िया इसने ब्रेकआउट दिया। जैसे इसने ब्रेकआउट दिया इस लेवल पे ब्रेकआउट दे रहा था, हम लोगों ने बाय सजेस्ट कर दिया। बाय सजेस्ट करने के बाद मैंने टारगेट कैसे फाइंड करा, टारगेट मैं आपको दिखा देता हूं। ये फिबोनाची एक्सटेंशन है, तो दिस इज द बॉटम, दिस इज द टॉप एंड अगेन बॉटम। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो मेरा टारगेट था दैट शुड बी अराउंड 141, ये वाला टारगेट था और ये वाला इस रेंज के अंदर मेरा टारगेट था। हमारा ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो गया बट हम लोग एग्जिट कर गए, हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर भी अर्न करा है, ठीक है। तो ये थी हमारी एनालिसिस, अब देख सकते हैं एक बार दोबारा नीचे आ सकता है एंड फिर ऊपर जा सकता है, तो स्टॉक को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर जरूर ऐड करिएगा। बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की, दूसरे स्टॉक का नाम है वीगार्ड। वीगार्ड मैंने आप लोगों को अपनी कल वाली वीडियो पे भी सजेस्ट करा था जब हम लोगों ने अंडर 1000 रुपीस के 3 स्टॉक्स आप लोगों को सजेस्ट करे थे। फाइनली मुझे लगता है ये कल के ट्रेडिंग सेशन पे ब्रेकआउट दे सकता है। अब इस पे कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लियरली मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एनालिसिस ड्रॉ कर रखी है बिकॉज मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियोस पे बता रखा है। सिंपल एक फ्लैग पैटर्न था, इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद दोबारा एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करने लग गया। अब ये रेंज के अंदर कंसोलिडेट करने लग गया तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे तो आप देखेंगे ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी इसने क्रिएट करा है, एक तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और इसका ब्रेकआउट दे सकता है। करंट लेवल है इसका 259 रुपीस का, 261 रुपीस के ऊपर हमें बाय करना है एंड 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज हो जाती है हमारा सबसे पहला टारगेट होगा 266 रुपीस का, जो कि इंट्राडे में मुझे लगता है आ सकता है अगर ब्रेकआउट देता है। बट अगर 266 रुपीस के ऊपर निकलता है तो क्या टारगेट होंगे उसके बारे में सर बात कर लेते हैं। देखिए अगर 266 के ऊपर निकलता है तो आर फर्स्ट टारगेट शुड बी 273 एंड आर नेक्स्ट टारगेट शुड बी 283 रुपीस। तो 261 के ऊपर बाय, 261 रुपीस के ऊपर बाय करना है एंड 273-283 का हमारा टारगेट्स होंगे जो मुझे लगता है स्टॉक दे सकता है। इसको वॉच लिस्ट के अंदर जरूर ऐड करिएगा। देखिए ल्यूपिन जो मैंने सजेस्ट करा, ल्यूपिन लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट करा था और इंट्राडे या एक या दो दिन के पर्पस से, अदरवाइज आपको 15-20 दिन नहीं रखना है स्टॉक को। दूसरी बात,
वी गार्ड जो मैंने आपको सजेस्ट करा है, ये एक दिन में टारगेट नहीं आ सकते, इनके एक दिन में टारगेट नहीं आ सकते। तो ये स्टॉक एक स्विंग ट्रेड है, आप इसे एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते के लिए रख सकते हैं, आपको बढ़िया रिटर्न ये आने वाले टाइम पर दे सकता है। ये स्टॉक है जो आप लोग इंट्राडे के लिए नहीं, आप अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए रखेंगे। इंट्राडे के स्टॉक्स में टेलीग्राम पे आपको बताते रहूंगा, तो ज्वाइन जरूर कर लेना वहां पे, ठीक है। सो अब बात करते हैं अपने थर्ड स्टॉक की। हमारा लास्ट स्टॉक है भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, अभी मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एनालिसिस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल ध्यान से चेक करिएगा, ठीक है। सबसे पहला अगर मुझे जो हर्डल देखने को मिल रहा है, दैट शुड बी अराउंड दिस लेवल, ओके। ये एक हर्डल है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोर्ट ब्रेकडाउन होने के बाद सपोर्ट पे इसने रेजिस्टेंस फेस करा, एंड उसके बाद एक शार्प फॉल आई, दोबारा एक बार रेजिस्टेंस फेस करा, एक फॉल आई, बट इवेंचुअली इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट। ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आया, अब नीचे आने के बाद आप देख रहे हैं जोन को ब्रेक कर दिया। तो अभी मैंने आप लोगों को अब फर्स्ट वाले स्टॉक पे सजेस्ट करा था ना कि ऐसा हो सकता है। देखिए ब्रेकआउट देता है तो इंपल्स मूव जब भी आते हैं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव आती है, तो एक बार तो भाई नीचे स्टॉक को आना है। हो सकता है कि वो शायद अपने जो शॉर्ट टर्म जो उसका वो होता है ना सपोर्ट लेवल, उसको ब्रेक कर दे, तो वहां पर आपको डरना नहीं पड़ता। यहां पर मल्टीपल लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली सपोर्ट के नीचे रखते हैं, वो फर्दर एनालिसिस का यूज नहीं करते, साइकोलॉजी का यूज नहीं करते। सो आप देख सकते हैं दोबारा ये नीचे आया, एंड अगेन ऊपर चला गया, अपने जोन का भी ब्रेकआउट दे दिया। इतनी बात क्लियर हो गई है। यहां पर आप देख सकते हैं इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, नीचे आया, रिट्रेसमेंट लिया, अब दोबारा ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैं एक फिबोनाची बनाना चाहूंगा, बॉटम टू टॉप। जब मैं बॉटम और टॉप पे फिबोनाची बना रहा हूं, तो एग्जैक्ट इसने जो सपोर्ट लिया, दैट इज 78.6% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सपोर्ट लिया है। इसके अलावा इसने एक पैटर्न और बनाया, मैं आपको दिखा देता हूं, देख सकते हैं ये एक पैटर्न बनाया, जिसे हम लोग बुलिश बैट पैटर्न कहते हैं, ये हार्मोनिक पैटर्न होता है, एंड एग्जैक्टली इस लेवल से इसने बहुत अच्छी अप मूव दे रहा है, देख रहे हैं कंटिन्यूस फॉर्मेशन पे चला गया। अगर मैं सबसे पहले इस पैटर्न की टारगेट की बात करूं, तो मेरे हिसाब से जो इसका टारगेट बैठता है वो अराउंड बैठता है, लेट मी शो यू, या इसका जो टारगेट बैठता है, फर्स्ट टारगेट शुड बी अराउंड 64.5 एंड नेक्स्ट टारगेट शुड बी अराउंड 68 रुपीज का, एंड थर्ड टारगेट हमारा प्रीवियस हाई होता है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने बात कर ली है, क्योंकि ये पैटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक्चुअल में अगर वीकली चार्ट्स में बना है तो इसको हम लोग मान के चलेंगे। अब एक बार चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि बहुत एनालिसिस बची है स्टॉक के अंदर, और अभी बहुत चीजें हैं जो मुझे आप लोगों को इस स्टॉक के अंदर बतानी है, ठीक है। अब ये रहा टॉप एंड ये रहा बॉटम, तो हम लोगों ने टॉप एंड बॉटम पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है क्लियरली। इसके अलावा हम लोगों ने इस लेवल पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। सो आप लोगों को यहाँ पर एक चीज दिख गई होगी, एक शार्प इम्पल्स मूव दी, इम्पल्स मूव आप देख रहे हैं बहुत आराम से आ गई, बहुत जल्दी जल्दी रिकवर इम्पल्स मूव आ गई। जब गिरना स्टार्ट हुआ तो बहुत छोटी 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 कैंडल्स के साथ गिरना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पैटर्न को हम लोग कहते हैं बुलिश पेनेंट पैटर्न, ये एक बुलिश पेनेंट पैटर्न होता है, एंड इसका फाइनली इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट। ब्रेकआउट देने के बाद हम लोगों ने बाय नहीं करा, बिकॉज यहाँ पर एक हैवी रेजिस्टेंस था, ठीक है, और स्टॉक की कन्फर्मेशन चाहिए थी बाय साइड में। अब कन्फर्मेशन आती कैसे है, कन्फर्मेशन ऐसे आती है दो पॉइंट से। पहला पॉइंट, अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद जब स्टॉक नीचे आएगा तो अपने लो को ब्रेक ना करे और उससे ही ऊपर चले जाए, तो दो कंफर्मेशन होती है, हायर हाइस एंड हायर लोस। क्लियरली आप यहां पर देख सकते हैं स्टॉक कंटिन्यूसली लोअर लोस लोअर हाइस फॉर्म कर रहा है। अब इसने हायर हाइस, ऊपर गया, नीचे आया, अगेन ऊपर गया और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, तो यहां पर अब हायर हाइस एंड हायर लोस का पैटर्न स्टार्ट हो गया। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहां पर, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं इस लाइन पे, एग्जैक्टली एट दिस पर्टिकुलर लाइन, अब देखेंगे ये एक शोल्डर है, ये एक हेड है और ये एक शोल्डर है, और उसका भी एक ब्रेकआउट दिया है। तो आई थिंक ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और आने वाले टाइम पे ये बहुत अच्छे लेवल्स दिखा सकता है। तो गाइस अभी करंट प्राइस है इसका 60 रुपीज का, हम लोगों ने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भी सजेस्ट करा है, एज वेल एज इंस्टाग्राम पे मैंने सबसे पहले दे दिया था, टेलीग्राम पे आधा घंटा पहले दिया था, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर सकते हैं। 60 रुपीज पे अभी करंटली ट्रेड कर रहा है, अगर अभी कोई डिप भी देता है तो वो एक्यूमुलेशन डिप होगी, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पर बाय कर सकते हैं, करंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं, 1 या 1.5 रुपया नीचे भी बाय कर सकते हैं। मेरे जो टारगेट्स हैं, सबसे पहला जो टारगेट आ रहा है दैट शुड बी 64.5 रुपीज, जो हम लोगों ने अभी वीकली टाइम फ्रेम पे देखा था।
इसके अलावा जो नेक्स्ट टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट शुड बी अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल जो कि 69 रुपीस का है, जो भी हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा था। एंड आवर लास्ट टारगेट शुड बी अराउंड 77 रुपीस का, जो मेरा एम है कि ये आ जाएगा, बट आएगा कब, 3 महीने लग सकते हैं, 2.5 महीने लग सकते हैं, बट ये टारगेट आ जाएगा। तो ये भी एक स्विंग ट्रेड है जो आप लोग रख सकते हैं। कम परसेंटेज चाहिए तो एक हफ्ते के अंदर आपको बढ़िया रिटर्न ये दे सकता है, 6-7% का रिटर्न, तो आप अपनी पोजीशन भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी हमारी स्टॉक्स की एनालिसिस। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, इसके बाद बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट के डाटा की। सो निफ्टी का चार्ट हम लोगों ने ओपन कर दिया, तो क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं आज बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कहा था कि भाई अगर गैप अप खुलता है, क्योंकि मार्केट बुल रन पे, अगर गैप अप खुलता है तो आपको चेक करना है। शुरुआत की 3 कैंडल बुलिश बनती है 1 मिनट की, तो पहले 1 मिनट पे चलते हैं, ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं एंड यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मार्केट ओपन कहाँ पर, मार्केट ओपन हुई है एग्जैक्टली एट दिस पर्टिकुलर लेवल। मैंने कहा था अगर 2 कैंडल भी 3 कैंडल में से बुलिश बनती है तो आप लोग अपना बाय ट्रेड ले सकते हैं। पहली कैंडल बियरिश, दूसरी कैंडल बुलिश एंड तीसरी कैंडल बियरिश एंड एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। मैंने आप लोगों को कल ही बोला था गाइस कि अगर 3 कैंडल में से 2 कैंडल बुलिश बनेगी तो लॉन्ग जाना है, अदरवाइज गैप अप अगर खुल जाता है तो वो गैप डाउन फिल करने आ सकती है और वहां पर एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और मैंने आपको कहा था कि ओपन इंटरेस्ट का डाटा हमें वीक दिखा रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ये एनालिसिस के थ्रू कुछ ना कुछ तो कमा लिया होगा। अगर नहीं कमाया होगा कोई बात नहीं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को अभी देखने को मिलने वाली है। अब करा क्या, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं, मैं एक रेंज आप लोगों के लिए बना देता हूं। दिस शुड बी द रेंज, ठीक है। ये एक बेस था, इस बेस के नीचे गया क्योंकि मैंने आपको कहा था कि शॉर्ट करना है इस लेवल के नीचे, ये हमारा टारगेट होगा। एग्जैक्टली ये टारगेट आपको बताया गया था एंड ये टारगेट अचीव करा। एग्जैक्टली ये टारगेट अचीव करने के बाद क्यों ये लेवल इंपॉर्टेंट था, बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, वो भी गैप अप पे ऊपर गया। एग्जैक्टली इसी लेवल पे आप रेजिस्टेंस फेस कर रहे हो और नीचे आ सकता है। अब हमें करना क्या, हमें करना है कि देखिए जब ये जो जोन है ना 17,800, जब 17,800 ऊपर के थ्रू ब्रेक होगा तो हमें लॉन्ग जाना है। अदरवाइज इसका ये जो लेवल है, इस पूरी अपमूव का 50% जो कि आ रहा है 17,670 का, अगर इसके नीचे जाता है तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। ये लेवल है और इसके नीचे के भी टारगेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, फिर ओपन इंटरेस्ट में मैं आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन कर दिया है एंड हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल एक्यूरेटली वर्क कर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। अब देखिएगा, मैंने आपको कल एक चीज बोली थी, ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसके नीचे आ चुका है एंड ऊपर आ चुका है। सेम स्ट्रक्चर बोला था कि 3 कैंडल में से 2 कैंडल अगर बुलिश बनेंगे तो आप बाय कर सकते हो, अदरवाइज मत करना। ऊपर गैप अप खुला, नीचे आया, नीचे आया, मैंने बोला था शॉर्ट इस रेंज के अंदर, ये रेंज दिख रही है, इस रेंज के अंदर हमें शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। जैसे ही इसने ब्रेकडाउन दिया हमारे लिए सेल ट्रिगर हो गया। सेल ट्रिगर होने के बाद इट गेव अ वेरी गुड रीटेस्ट और नीचे आया। अब नीचे आने के बाद मैंने आपको बताया था ना, ये हमारा पहला टारगेट है एंड ये हमारा दूसरा टारगेट है। पहला टारगेट बहुत इजीली अचीव करा बिकॉज यहां पर भी एक ब्रेकआउट दिया था। अब देखने जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद सपोर्ट बन गया, तो इसके ऊपर भी एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया। अब एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस पे है, तो यहां पर आपको क्या करना है, जब 38,080 के ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी और 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो ही बाय है। और उसका जो टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, दैट शुड बी अराउंड 38,300 के आसपास। अदरवाइज अगर कल नीचे गिरना स्टार्ट होता है और हम लोग मान के चलते हैं 37,780 के नीचे चले जाता है, तो हम लोग वहां पर एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं जिसका लो हम अपना टारगेट रख के चल सकते हैं। तो गाइस, ये थी बैंक निफ्टी निफ्टी की एनालिसिस। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। एक बार ओपन इंटरेस्ट जरूर चेक कर लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट ओपन कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। सबसे पहले निफ्टी है, निफ्टी पे अब आप ये वाला देखिएगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो परसों एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी सितंबर की। क्लियरली आप देखिएगा यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको कौन सी पोजीशंस दिख रही है, सबसे ज्यादा आप लोगों को कॉल राइटर्स दिख रहे हैं। हाईएस्ट कॉल राइटर है 17,800 रुपीज पे, सेकेंड हाईएस्ट है 17,900 रुपीज पे एंड कॉन्जिक्यूटिवली 17,700 पे भी है। अब आप देखेंगे जो पुट राइटर्स थे, जिन लोगों ने 17,800, 850, 900 पे एक बेस बनाने की कोशिश करी थी, वो लोगों ने पोजीशन एग्जिट कर दी। जब उन लोगों ने अपनी पोजीशन मार्केट के अंदर एग्जिट करना स्टार्ट करा तो वहां पर जितने भी पुट राइटर थे उन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट करी होगी। जैसे पोजीशन एग्जिट करी, मार्केट के अंदर पुट बाइंग होना स्टार्ट हो गई, उसकी वजह से मार्केट और ज्यादा गिरना स्टार्ट हो गई, ठीक है। बट यहां पर कहीं पर हम लोगों ने देखा था कि अब कॉल राइटर्स भी हल्के हल्के एग्जिट कर रहे थे, तो मार्केट थोड़ी बहुत रिकवर हो गई। अगर आप चेंज देखेंगे, चेंज चेक करिएगा, कॉल चेंज है 13 मिलियन एंड पुट चेंज है नेगेटिव, तो यानी कि वास्ट डिफरेंस है,
यानी कि मेजोरिटी अगर मैं कहूँ, मतलब ऑलमोस्ट 90% कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं और 10% पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, यानी कि आप ये समझ सकते हैं ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेक होने के चांसेस लिमिटेड है, वेरी लिमिटेड है। सो करना क्या, अगर बाय चांस कल गैप अप खुलता है, वही स्ट्रैटेजी 1 मिनट की, अगर 3 कैंडल में से 2 कैंडल बुलिश बनती है तो ट्रेड लेना है, अदरवाइज गैप अप पे भी आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं, अगर इसी लेवल पे खुलता है तो भी शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार बैंक निफ्टी को चेक करें, निफ्टी तो ज्यादा वीक है, बैंक निफ्टी में हाईएस्ट कॉल राइटर है 38,000 रुपीज पे, यानी कि अपने करेक्ट लेवल से 50 रुपए ऊपर, सेकेंड हाईएस्ट है 38,100 पे जो कि 150 रुपए ऊपर है, तो यानी कि अगर कल मैं मान के चलता हूँ 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये, 110 रुपये भी बैंक निफ्टी ऊपर खुल जाता है तो भी ये जो वाले कॉल राइटर्स हैं ना जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो सबके सब पोजीशन यहाँ से एग्जिट करके इधर आ जाएंगे और तब बैंक निफ्टी नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। सो गैप अप खुलता है, सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, ऊपर भी शॉर्ट करने के मौके मिल सकते हैं अगर वो 1 मिनट की 3 कैंडल वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, अदरवाइज अगर इसी लेवल पे खुलती है तो भी हमें क्लियर शॉर्ट बनानी है, बिकॉज पुट राइटर्स खत्म हो गए मार्केट पे, ये पुट राइटर ने अनबाइंडिंग करी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पुट राइटिंग, पुट चेंज नेगेटिव है एंड कॉल चेंज 4.5 मिलियन है। सो मेरे हिसाब से आप लोगों को शॉर्ट बनाना है, गैप अप खुलता है मार्केट को चेक करें। मैंने 3 मिनट क्यों बोला आपको, इसके पीछे का लॉजिक है गाइस 3 मिनट का। सबसे पहला लॉजिक जो मैं मान के चलता हूँ, ज्यादातर लोगों को नहीं समझ में आएगा कि ये जो ऑप्शन डाटा है ना, ऑप्शन का जो ये डाटा है ओपन इंटरेस्ट, ये मार्केट खुलने के 3 मिनट बाद जाके अपडेट होता है, आप चाहे एनएससी पे देखो चाहे आप जहां पर भी देखो 3 मिनट बाद जाके अपडेट होता है। तो 3 मिनट पे जो मूवमेंट होती है ना, वो ऑप्शन डाटा पे 4th मिनट हमें पता चल जाती है कि अब क्या मार्केट रह सकता है, उसके बेसिस पे मैं आपको ये सिनेरियो बताता हूँ, ठीक है। सो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोग हमारे वीडियोस के थ्रू बहुत कुछ सीख रहे होंगे, ठीक है। सो प्लीज लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे इस पर्टिकुलर चैनल को कि और लोग भी सब्सक्राइब कर सके और लोग भी जुड़ सके हमारी इस फैमिली के अंदर। थैंक यू गाइस, हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय।